हाय, इस वीडियो में हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल। दो एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में करा थे, तीन एग्जांपल मैं इस वीडियो में कराऊंगी। तो हमारा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल 3। तो हमारा एग्जांपल है कि फिट करना है हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे नॉर्मल नहीं होती थी, ऑब्जर्वेशन दी होती थी और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती थी, उससे हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है। कैसे करते? देखो, नॉर्मल ये अगर हम देखा जाए कि ये एक्स है और एफ एक्स है, तो इससे मीन कैसे निकलते? मीन का एक फॉर्मूला होता था ना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही करते थे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन कितना निकल जाएगा हमारा, 0 इंटू 122 0 प्लस 1 इंटू 60 60 प्लस 15 टू ज़ा 30 3 टू ज़ा 6 एंड 4 वन ज़ा 4 एंड अपॉन इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 182 एंड 2 15 2 3 200, ठीक है। इस ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 एंड 100 बाय 200, तो होगा 1/2 या फिर लिख लो 0.5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब मीन मतलब एम आ गया हमारा। अब जो इसमें प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती थी ऑफ आर सक्सेसेस, वो हम कैसे निकालते थे, एम आर ए टू द पावर माइनस एम अपॉन आर फैक्टोरियल, ये निकालते थे। लेकिन अगर कुछ सेट आ जाते थे कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, कि फ्रिक्वेंसी उसमें कैसे निकालते थे, कोई एन है इंटू एम आर ए टू दी पावर माइनस एम, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में किया भी था कि 10,000 बैकेस से तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वैसे ही अगर इसमें देखा जाए तो हमारी फ्रिक्वेंसी टोटल कितनी है, टोटल सेट कितने थे 200 सम उनका, तो ये एन हो जाएगा हमारा 200। तो हमारा निकालना है 200 एम टू दी पावर आर, या एम की वैल्यू लिख लेते हैं, एम की वैल्यू कितनी है 0.5 टू दी पावर आर ए टू दी पावर माइनस 0.5 और अपॉन आर फैक्टोरियल। अब क्या करना है, बस आर की वैल्यू पुट करनी है, और आर की वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये बस वैल्यू पुट करके हमें फ्रिक्वेंसी की वो आ जाएगी। तो उससे भी क्या होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एफ जो भी है, या एक्स आई लिख लेते हैं इसको, एफ आई लिख लेते हैं, कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें बस वैल्यू में पुट करते जानी। तो जो फर्स्ट वाला है 0, इसकी वजह से ई टू द पावर माइनस 0.5 ये सब हमें मिल जाएगा, तो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आएगा 121, और ये हमारा कितना 60, इसकी वैल्यू हमारी आएगी सॉल्व करने के बाद 61, ये हमारा आएगा 15, ये हमारा आएगा 2 एंड ये हमारा आएगा 0। अब ये सब कैलकुलेशन तो हमें करनी होंगी जो भी है। ये हमारा आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। वैसे ये ज़्यादा इस यूनिट में नहीं आएगा, क्योंकि इस यूनिट में क्या है भाई, हमारा कर्व फिटिंग वगैरह नहीं है, और ये थोड़ा उससे ही रिलेट कर रहा था, तो ये ज़्यादा नहीं आएगा। बट आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं करा देती हूँ। Medicine bottles. Six.
हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है मेडिसिन बॉटल्स, और वो क्या उसमें मिला थी, ही फाइंड दैट 0.1% ऑफ बॉटल्स आर डिफेक्टिव. तो 0.1% किसी चीज़ का बहुत छोटा वैसे वो होगा. द बॉटल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 500 बॉटल्स, मतलब एक बॉक्स में 500 बॉटल्स हैं. फाइंड दैट इन 100 सच बॉक्सेस हाउ मेनी बॉक्सेज आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन फर्स्ट हमारा नो डिफेक्टिव बॉटल एंड सेकेंड हमारा एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव. तो ये इसमें 500 क्या है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो स्मॉल एन होता है. पी कितना है हमारा 0.1% है, तो 0.1/100. और ये 100 क्या है हमारा, ये जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि भाई मतलब एक सेट की इतनी होगी तो बाकी होगी कितनी होगी, तो इसमें मैं वैल्यू लिख लेती हूँ. ये कैपिटल एन है ये 100 है, स्मॉल एन है 500, और पी है हमारा 0.1 को जो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.001. सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं. मीन इज एन पी, तो 500 इंटू 0.001, तो मीन कितना आ गया यहाँ पे 1 5 सॉरी 1 नहीं 5. ठीक है, मीन आ गया. अब क्या निकालते हैं हम, वही फिर से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें सबसे पहले, नो डिफेक्टिव की. तो पी 0 पूछ रहा है, और वो भी हाँ, बट हमें 100 सच बॉक्सेस लेके चलना है तो डायरेक्ट ही कर, या पी 0 ही लिख लेती हूँ अब इसको. 100 इंटू ई टू द पावर माइनस एम, तो ई टू द पावर माइनस 5, बस ई टू द पावर माइनस 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो ये मैं बता देती हूँ कितना आ रहा है इसका. ये वैल्यू होगी हमारी ई टू द पावर माइनस 5 की 0.6065, ये हमें मिल जाएगी. तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 60.65. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. सेकंड पार्ट क्या है, देखो एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव. एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ऐसे तो हम 500 तक तो पहुँचेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है. तो इसको क्या कर ले, अगर माइनस कर ले 1 में से आर लेस देन 2 तक की, पी 0 आ जाएगा उसमें और एक आ जाएगा पी 1, तो हमारा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकल जाएगा. तो 1 माइनस पी 0, तो बल्कि हमने अभी निकाली भी थी 60.65. अच्छा नहीं, 1 माइनस जब करेंगे उसके बाद हमें 100 से मल्टीप्लाई भी कराना है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं 1 माइनस पी 0 मतलब ई टू द पावर माइनस एम, और प्लस कितना एम ई टू द पावर माइनस एम. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, बाकी इसमें 100 ये यहाँ पे लिख रहे थे कि 100 हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जितना भी आंसर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है. तो ये आएगा 9.02 हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो मतलब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने थे कि अप्रोक्सीमेट कितने होंगे. 9.02 मतलब अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं कि 9 बॉक्सेस, कि 9 बॉक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बॉटल्स. और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है. अभी एक और एग्जाम्पल कराती हूँ उसका. Said on an average. Five percent of his product. Thank you.
हाँ, ये हमारा एग्जांपल है, एक मैन्युफैक्चरर है जो जानता है कि ऑन एन एवरेज 5% जो उसके प्रोडक्ट का है वो हमारा डिफेक्टिव है उसका. ही सेल्स पिन्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 एंड गारंटी करता है कि उस 4 से ज़्यादा जो पिन होंगे वो ख़राब नहीं होंगे, डिफेक्टिव नहीं होंगे. तो हमें पता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल फेल टू मीट गारंटी. कैसे करना है देखो, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, एन देखने का और पी देखने का. एन कितना है वो दिख गया होगा यहाँ पे, 100 बॉक्सेस हैं, बाकी इन्होंने फ्रिक्वेंसी वाला चीज़ नहीं दी. तो स्मॉल एन हो गया हमारा 100, और पी कितना है 5%, तो 5/100 कर ले. तो फिर मीन निकाल लेते हैं, एम इक्वल्स टू एन पी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 5. उसके बाद हमें क्या निकालना है कि वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल फेल टू मीट गारंटी. अच्छा उसको छोड़ो फेल को भी, अगर हम, उसने क्या बोला था कि गारंटी है कि 4 से ज़्यादा उसके ख़राब नहीं होंगे, तो अगर गारंटी की वो मिल रहा है दैट प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल मीट गारंटेड क्वालिटी है जो भी है उसकी, क्वालिटी लिख लेते हैं अभी, वो कितना है कि पी आर लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि एटमोस्ट 4 तक ही ख़राब हो सकते हैं, तो एक भी ख़राब ना हो, या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इतने ख़राब हो सकते हैं हमारे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. तो पी आर लेस देन इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, पी 0, पी 1, पी 2, पी 3 एंड पी 4. ठीक है, 0 का क्या होता है हमारे ए टू दी पावर माइनस एम, फिर दूसरा आएगा एम ए टू दी पावर माइनस एम, फिर आएगा एम स्क्वेयर ए टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा एम क्यू, फिर आएगा एम फोर. देखो ई टू दी पावर माइनस एम हर जगह है तो उसको तो बाहर ही रख लेते हैं, और एम की वैल्यू है 5, तो इधर बचा हमारा 1 प्लस 5, वन प्लस अच्छा एम की वैल्यू हमारे पास 5 है ही, प्लस 5 स्क्वेयर 25/2, 5 क्यूब 125/3 फैक्टोरियल इज 6, प्लस 5 4 तो 625/4 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया हमारा 24. अब इन सब को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताती हूँ. इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 0.44. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने क्या कहा था, बॉक्स विल मीट गारंटेड क्वालिटी, लेकिन उन्होंने पूछा फेल की, तो फेल की कितनी हो जाएगी ये तो आपको पता ही होगा, सक्सेस और फेलियर की जैसे निकालते हैं, तो 1 - 0.44 तो ये आ जाएगी 0.56. बस अब एक चीज़ और जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नोट्स की टेंशन नहीं लेनी आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे. अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हो तो नोट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.